नमस्ते। वेद मंत्रों, भगवद गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, नारायणियम स्तोत्र तथा संस्कृत भाषा सीखने की निःशुल्क ऑडियोज के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल www.youtube.com/arunhlearnvedasanskrit। इस वीडियो में चमकम का परिचय दिया जाएगा, इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा और इसको सही तरह से कैसे पाठ करना है ये भी बताया जाएगा। चमकम का पाठ श्री रुद्रम नमकम के बाद किया जाता है। इस मंत्र में चमे शब्द के बार बार आने के वजह से इसका नाम चमकम है। चमे शब्द का अर्थ यहां है मुझे दीजिए। चमकम परमेश्वर से इतने सारे वरदान जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, सब कुछ मांगने का मंत्र है। इसमें 11 अनुवाक हैं। चमकम का शुरुआत इस प्रकार है। ओम अग्ना विष्णु सजोष सेमा वर्धन दुभांगिरह द्युम्नैर्वाजे भिरागतम। इसका अर्थ देखते हैं। अग्ना विष्णु अर्थात हे अग्नि तथा विष्णु, सजोष से अर्थात एक साथ, मा या माम अर्थात मुझे, वर्धन्तु इसका यहां अर्थ है संतुष्ट हो जाइए, वांगिरह वाक गिरह अर्थात वाक शक्ति या बोलने की शक्ति, द्युम्नैर्वाजे भी अन्न या आहार और धन, आगतम अर्थात आए। इसका तात्पर्य है अग्नि और विष्णु मेरी प्रार्थना सुनकर एक साथ आकर मुझे समृद्धि प्रदान करें। चमकम में कहा गया है स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे। इसका अर्थ है ये सब कुछ दीजिए। क्या क्या मांग रहे हैं देखते हैं। स्वर अच्छा स्वर वेद पाठ करने के लिए, श्लोक अच्छी वाणी, श्राव अच्छी श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति, श्रुति श्रुति का अर्थ वेद है, इसका एक और अर्थ अच्छी बुद्धि है, ज्योति प्रकाश मन और बुद्धि का प्रकाश अर्थात ज्ञान, सुवह स्वर्ग। चमकम में यह भी कहा गया है वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रंच मे दक्षश्च मे बलंच म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे। इसका अर्थ देखते हैं क्या क्या मांग रहे हैं भगवान से। वाक अच्छी तरह बोलने की शक्ति, मनः अच्छा मन, चक्षुः अच्छी दृष्टि या देखने की शक्ति, श्रोत्रम अच्छी श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति, दक्ष दक्षता या कुशलता और चुस्ती अलर्टनेस जिसे कहते हैं, बलम बल, ओजस आध्यात्मिक शक्ति, सहस शत्रुओं पर विजय, आयु लंबी आयु। चमकम में कई और वरदान भगवान से मांगा गया है, जैसे ज्येष्ठ्यंच म आधिपत्यंच मे, ज्येष्ठता और आधिपत्य या नेतृत्व, मतिश्च मे सुमतिश्च मे, मति बुद्धि, सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि, शंच मे मयश्च मे शुभ और संतोष, जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे जीवन की रक्षा करने वाली औषधियां और लंबी आयु, सुषा च मे सुदिनंच मे सुउषा अर्थात अच्छी उषा या सुबह सुप्रभात, सुदिनम अच्छा दिन, आज का दिन अच्छा हो ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना है, अश्मा च मे मृत्तिका च मे
यहां तक कि पत्थर और मिट्टी भी भगवान से मांगा गया है। इस प्रकार भक्त भगवान शिव को पहले श्री रुद्रम नमकम द्वारा संतुष्ट करते हैं, उसके बाद चमकम द्वारा आशुतोषी शिव भगवान से सारे वरदान मांगते हैं, ऐश्वर्य, लौकिक सुख, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन तथा द्रव्य, बुद्धि, ज्ञान, मोक्ष का मार्ग, सब कुछ मांगकर प्राप्त करते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि वेद स्वयं ही हमें भगवान से क्या क्या वरदान मांगना चाहिए इसकी लंबी सूची या लिस्ट प्रदान करता है। इसी सूची का नाम चमकम है। चमकम का सही पाठ करने के कई नियम हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। चमकम में मे शब्द बार बार आता है। कुछ जगहों पे इसका उच्चारण मे नहीं होता है किंतु मा होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मे उच्चारण होगा और कहाँ पे मा होगा? इसका उत्तर है, इसके तुरंत बाद जो अक्षर है उसके ऊपर यह निर्भर है। तो पहला नियम है कि यदि मे के बाद व्यंजन आता है या संधि से जोड़ा गया स्वर आता है तब इसका उच्चारण मे होता है। उदाहरण के लिए शंचमे मयच्चमे प्रियंचमे, यहाँ पे पहले मे के बाद शब्द है मयः, मयः का पहला अक्षर है म जो व्यंजन है। दूसरा मे इसके बाद वाला शब्द है प्रियम, प्रियम का पहला अक्षर है प, ये भी व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे उच्चारण मे ही होगा। तीसरे में इसके बाद शब्द है अनुकामहा, ये इसका पहला अक्षर है अ किंतु ये स्वर संधि से जोड़ा गया है इसलिए यहाँ भी मे ही उच्चारण होगा। तो जहाँ पे व्यंजन है या जहाँ स्वर है किंतु संधि से ये स्वर जोड़ा गया है वहाँ पे उच्चारण मे ही होगा। दूसरा नियम है, जब बाद में आने वाला अक्षर स्वर है तब उच्चारण म होगा, मे नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, जैत्रंचम औद्विद्यंच या मेघ्निश्चम आपश्चमे या अग्निश्चम इंद्रश्चमे। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं म के तुरंत बाद जो अक्षर है सभी जगह स्वर है, जहाँ पे स्वर है उसके पहले हमेशा म होगा, मे नहीं होगा। एक और नियम है, ये स्वर के बारे में है। चमकम में मे या म इस शब्द का जो स्वर है वो हमेशा या उदात्ता होगा या अनुदात्ता होगा। उदात्ता अर्थात जो बीच वाला स्वर है, अनुदाता नीचे वाला स्वर है। कभी भी मे या म इसका स्वर स्वरिता या दीर्घ स्वरिता नहीं होगा। स्वरिता ऊपर वाला स्वर है, दीर्घ स्वरिता जो डबल और ऊपर होती है ये हैं, तो ये दोनों कभी नहीं होंगे। मे या म का स्वर हमेशा उदाता बीच वाला स्वर या अनुदाता नीचे वाला स्वर यही होगा। ये जो नियम है ये यहाँ पे केवल जानकारी के लिए बताए गए हैं। आप हमारे जो ऑडियोस हैं उनको बार बार सुन के उनके साथ अभ्यास करने से सही तरह से चमकम का पाठ सीख सकते हैं। वेद पाठ में सही स्वर तथा सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। वेद पाठ यदि सही स्वर और उच्चारण के साथ हों तो इनसे बहुत शक्तिशाली गुणकारी स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जिन्हें कहते हैं, सारे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं।
इनका लाभ वेद पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को बराबर मात्रा में मिलती है। इस मंत्र के पाठ को सही स्वर और उच्चारण के साथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन बार बार हमारी निःशुल्क लर्निंग मोड ऑडियोज जो हैं इनको बार बार सुन के इनके साथ अभ्यास करें। इस मंत्र के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फील्ड में दिया गया है। हरिओम। डू नॉट मिस द एडवेंचर्स ऑफ कुडमी ताता एंड अदर स्टोरीज, अ ह्यूमरस नॉवल फॉर ऑल एजेस। रीडर्स लव इट। पेपरबैक एंड ई बुक अवेलेबल एट स्पेशल लो प्राइस ऑन Amazon वर्ल्ड वाइड।